नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आज हम पालक और उड़द दाल, धुली उड़द दाल है, इनको मिलाकर एक बढ़िया सी डिश बना रहे हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो उड़द की दाल है इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये धुली है तो 2 घंटे में ही गर्म पानी में सोक कर लिया था, तो जल्दी से पीस गए ये। हमको इसको फर्मेंटेशन नहीं करना है, तो इसलिए ऐसे ही पीस के मैंने रख लिया है। अभी हम यहाँ पर ऑयल गर्म करेंगे। दोस्तों, आप इस डिश को मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे ये। जैसे दोस्तों तेल गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, मस्टर्ड और थोड़े से कलौंजी। आप चाहे तो पूरा पंचफूरन बना के भी डाल सकते हैं। मेथी और सौंफ बस ऐड करना है इसमें। तो इसको क्रैकल होने के लिए देते हैं। देखिए, ये सारे क्रैकल हो गए हैं। अभी हम डालेंगे इसमें बैंगन। इसमें सब्जी के हिसाब से मैंने बैंगन और आलू ले रखी हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कद्दू या फिर मूली भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आलू बैंगन से कर रही हूँ इसको। सीजनिंग ऐड करते हैं, सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा डाल लें, क्योंकि बाद में हमें पालक में भी डालने हैं। तो इसको स्टर करके कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक दोस्तों सब्जी कुक हो रहे हैं, अब हम इसका एक मसाला पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हमने लिया है सरसों और यहाँ पर 2 मोटे मोटे गार्लिक। इसमें जिंजर नहीं चाहिए और ग्रीन चिली आपके हिसाब से जितना पसंद हो। मैं 2 डाल रही हूँ यहाँ पर। अब इनको मिला के एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, आलू बैंगन मैंने बहुत छोटे छोटे करके काट रखे थे, तो ऑलमोस्ट कुक होने ही वाले हैं। यस, तो अभी हम इसमें डाल देते हैं मसाले जो हमने पेस्ट करके अभी लाए, तो उसको डाल देते हैं। मैंने इसमें भी थोड़ी सी नमक डाल रखी थी ताकि कड़वा ना हो जाए सरसों का पेस्ट। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको भी डाल देते हैं। बस यही क्या, 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है। देखिए, मसाले काफ़ी कुक हो गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। आप चाहे तो इसको जब आप सरसों पीस रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, जीरा डाल के पीस सकते हैं। मेरे पास पाउडर थे तो मैं ऊपर से डाल दिए। अभी हम इसमें डालेंगे पालक। पालक के साथ हम थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने सब्जी के लिए डाला था, अभी मैं पालक के लिए डाल रही हूँ। इसको थोड़ी देर सॉटे करेंगे। देखिए दोस्तों, पालक कुक हो गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे वाटर। थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम इसमें उड़द दाल भी ऐड करने हैं। इतना ही पानी डाला जैसे कि जब हम डालेंगे तो डूब जाए। अब इसको उबाल आने तक हम इसको कवर करके कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम इसमें डालने के लिए जो उड़द दाल पेस्ट करके रखा था उसको हम तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता, अभी ग्रीन चिली और जिंजर ग्रेट करके मैंने रखा था, और थोड़े से अनियन। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सारे चीज़ों में अलग अलग हम पका रहे हैं तो अलग अलग हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। देखिए, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम इसमें अपना उड़द दाल ऐड करते हैं। हाथ को थोड़ा सा गीला कर लें, ऐसे थोड़ा सा गीला कर लें, और इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पकौड़ी करके इसमें डाल देना है। मेक श्योर कि पानी उबलना रहना चाहिए।
सारे डालने के बाद उड़द दाल की पकौड़ियाँ थोड़ा सा इसको ऐसे सेक कर लेंगे और इसको अभी टच नहीं करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद चेक करेंगे। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक करते हैं। अभी देखिए अच्छे से कुक हो गए हैं, लेकिन एक मिनट के लिए और कुक करने के लिए छोड़ देते हैं ये। देखिए ये काफ़ी कुक हो गए हैं। तो दोस्तों ये हमारी पालक और उड़द दाल की बड़ी रेडी है। आप इसको राइस के साथ सर्व करेंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो दोस्तों आई होप आप ये को पसंद आएंगे। तो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर लें। थैंक यू।